हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनर। मैं हूँ राशि शेख। तो यार, इन द शैडो ऑफ द मून का एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे, तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इस वीडियो को लाइक करना, और रिक्वेस्ट तो आप लोग शेयर करोगे तो मुझे ज्यादा व्यूज मिलेगा और मुझे सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, जो कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यार, शुरू करता हमारा आज का वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, फिल्म की शुरुआत होती है फिलाडेल्फिया 2024 से, जहाँ पे काफी तबाही मची है, काफी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे, काफी लोग मारे जा रहे हैं, और एक अलग ही माहौल है 2024 में। हमें डायरेक्ट 1988 बताए थे, जहाँ पे फिलाडेल्फिया के शहर, जहाँ पे कुछ लोग मारे जा रहे हैं और लोगों की मरने की वजह एक ही है, और सब जो लोग मरे उन सबके सर के पीछे 3 निशान है, ठीक है। तो वहाँ का जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेट करता है, इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये सब कुछ कर रही है एक लड़की, और वो उस लड़की को पकड़ने भी जाता है, लेकिन बाय मिस्टेक के लिए वो लड़की उसके हाथों मारी जाती है, यानी ट्रेन से कटके मर जाती है। तो थॉमस को लगता है कि यहाँ पर केस खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो मरने से पहले थॉमस को ये बोल के जाती है कि तुम्हें एक लड़की पैदा होने वाली है। तो थॉमस थोड़ा कंफ्यूज होता है कि इसको कैसा मालूम है, लेकिन फिर भी थॉमस उस चीज पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है और केस वहीं पे क्लोज हो जाता है। अब 9 साल बाद यानी 1997 में वो अपनी, उसकी वाइफ तो मर चुकी है, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ बहुत ज्यादा खुश है, एक अच्छी हैप्पी लाइफ जी रहे, लेकिन तभी अचानक से फिर से दोबारा उसी तरीके से मौत होने लगती है, और मौत की कारण जब वो सीसीटीवी फुटेज में देखते तो वही एक लड़की होती है जो 1988 में थॉमस के हाथों मारी गई थी। तो थॉमस थोड़ा सत्य में आता है कि ये लड़की को तो मैंने ऑलरेडी 1988 में मार चुका, तो ये लड़की वापस से कैसे आ गई। तो वो 1988 में जो लड़की मरती है उसकी सब चीजें जो उसको उस वक्त बरामद करता है, उस चीजों को देखता है, तो उसमें से 2 चाबियां निकलती है। वो चाबी एक्चुअली होती है कुछ प्लेन्स की, और वो जो प्लेन्स की चाबी होती है वो प्लेन्स 1988 में थी ही नहीं, वो प्लेन थी 1996 में इन्वेंट हुई थी वो प्लेन। तो थॉमस बोलता है यार इतनी बड़ी चीज मुझसे कैसे छूट गई। तो वो बोलता है कि वो एक पुलिस वाले को बोलता है कि इस तरीके की प्लेन अभी हमें कहाँ मिलेगी। तो वो बोलती है कि एक दूर एक हवाई अड्डा, वहां पे इस तरीके की प्लेन हमें मिलेगी। तो वो वहां पे जैसे निकलता है तो रास्ते में उसे नवीन राव मिलता है। नवीन राव कहता है कि, नवीन राव एक साइंटिस्ट होता है, वो बोलता है कि यार ये जो मौत हो रही है 9 साल के गैप में हो रही है, और जो बड़ा चंद्रग्रहण होता है जिसको आप ब्लैक ब्लड मून कहते हैं उसी वक्त होती है, और उस वक्त कुछ ऐसी न्यूक्लियर प्लेट जो मतलब वो अपने साइंटिफिक वे में समझाता है, तो उससे एक ब्रिज बन जाता है। ब्रिज बनने के बाद हम किसी भी दुनिया में किसी भी वक्त में जा सकते हैं, लेकिन थॉमस तभी उसका मजाक बना के वहां से निकल जाता है, और वो उस हवाई अड्डे पर, वहां पे वो लड़की से उसकी मुठभेड़ होती है, लेकिन गलती से वो लड़की के हाथों थॉमस का एक दोस्त मारा जाता है, और लड़की फिर से वहां से बच के निकल जाती है, और उसका दोस्त मर जाता है, तो और परेशान हो जाता है, वो अपनी लाइफ, अपनी बेटी, सब कुछ, अपना जॉब, सब कुछ छोड़ के वो इसी लड़की का वेट करता है पूरे 9 साल में 2006 तक। लेकिन 2006 में वो लड़की आती है, लेकिन किसी तरीके से वो लड़की फिर से 2006 में थॉमस के हाथों से बचकर निकल जाती है। लेकिन अब थॉमस के पास उस लड़की का रास्ता पता चल गया उसको, कि वो कौन सी गुफा में आती है, उसकी जो टाइम ट्रेवलिंग मशीन है वो कहाँ पर आती है, वो कहाँ से जाती है, तो वो गुफा का उसको पता चल जाता है, लेकिन वो लड़की उसके बाद हाथ से चली जाती है। तो अब वो क्या करता है, 9 साल तक उसी की गुफा के बाहर बैठता है, और उसी बीच वो काफी और इन्वेस्टिगेट करता है कि वो लड़की एक्चुअली किसको मारती है, क्यों मारती है। तो उसी इन्वेस्टिगेशन में उसको पता चलता है कि रियल अमेरिका मूवमेंट की जितने भी लोग हैं, मोस्टली ये लड़की ने उन्हीं लोगों को मारी है यहाँ पर आके। तो जैसे 2015 में वो लड़की आती, तो वो लड़की को फिर से वो पकड़ लेता, पकड़ने वाले जैसे उसको मारने आता, तो वो बोलती है कि तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हारी पोती हूँ, तुमने ही मुझे इस मिशन में भेजा था फ्यूचर से पास्ट में आके, सब सही नहीं होगा तो हमारा जो फ्यूचर है वो तबाह हो जाएगा, जो हमारे जो एक लोग एक दूसरे को मारने लगे, खून खराब होगा, जैसे कि आप लोगों ने फिल्म की शुरुआत में देखा था फिलाडेल्फिया में 2024 में सारे कुछ दंगे हो रहे थे। तो थॉमस को समझ में आता है, फिर थॉमस बोलता है कि लेकिन मैंने तो तुमको 1988 में मार दिया। तो काफी लोग का यही सवाल है कि भाई वो 1988 में मर गए तो जिंदा कैसे। तो उन लोगों को मैं यही बोलूँ कि हमें ऐसा बताया कि वो सबसे पहले 1988 में आई, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सबसे पहले गई थी 2015 में, फिर गई थी 2006 में, फिर गई थी 1997 में, फिर लास्ट में गई थी 1988 में, जहां पर उसने अपना मिशन अंजाम देकर गलती से थॉमस के हाथों मारी गई थी। तो एक्चुअली जो वो मरी थी वो वहां पर रियल था, लेकिन हमें ऐसा बताता कि वो 1988 में पहले आई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये क्लियर कर दिया कि वो सबसे पहले 2015 में गई थी। उसका एक सबूत मैं ये बोलूंगा कि जब वो लड़की को 2015 में थॉमस पकड़ता तो वो उसको बोलता भी कि मैंने तुमको 1988 में मार दिया, तो वो लड़की ये बोलती कि वन वे है, जो यहाँ पर हो गया वो हो गया, यानी कि उसको बदला नहीं जा सकता, यानी कि वो लड़की वहां मर गई, लेकिन मरने से पहले उसने सब कुछ कर दी जो मिशन में आई थी। तो इसीलिए फिल्म के एंडिंग में हमें ऐसा बताता है कि जो फिलाडेल्फिया था 2024 का, उसमें अपने आप सब कुछ चीजें सही हो रही है, मतलब जितनी भी तबाही हुई थी सब तबाही हट रही है, फिर से एक नॉर्मल, एक अच्छा शांति वाला शहर बन रहा है फिलाडेल्फिया 2024 में, जो कि उस लड़की, जिस वजह से वो लड़की पास्ट में आती वो अपना काम कर दी। तो 2015 में जो थॉमस की पोती पैदा होती है, अब वो पोती को आराम से उसको बड़ा कर सकता है, और वो अपनी पोती को अब किसी मिशन में नहीं भेजेगा, क्योंकि जब फ्यूचर सेट हो गया, यानी सबकी सब जो चीजें थी
पास्ट की, उस आपकी सब ठीक हो गई है, तो अब फ्यूचर में उसकी पोती को भेजने की जरूरत क्या है। तो अब थॉमस अपनी लाइफ अच्छा जिएगा और उसकी पोती कोई मिशन पे नहीं जाएगी, और यहाँ पर सीधी सी सिंपल सी फिल्म खत्म होती है। नवीन राव से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता, आपको बता दूं कि नवीन राव ही इंसान है जो वो टाइम ट्रेवलिंग मशीन बनाता है। नवीन राव ही वो इंसान है जिसकी वजह से वो जो इंजेक्ट होता है, जिससे लोग का ब्रेन हेमरेज, वो इंजेक्ट जो बनाने वाला भी नवीन राव होता है। और 2006 में नवीन राव इसलिए थॉमस को रोकता उस लड़की को पकड़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नवीन राव को ये समझ में आता है कि फ्यूचर से उसी ने उस लड़की को टाइम ट्रेवलिंग करके उसको यहाँ पर भेजा है इस तरीके के मिशन पे। इस वजह से 2006 में थॉमस को रोकता है, लेकिन थॉमस उसको नहीं पकड़ पाता है। और एंड में ये बताया कि 2024 में उस लड़की को जो साइंटिफिक तरीके से भेजता है वो कोई और नहीं बल्कि नवीन राव का ओल्ड एन वर्जन, यानी कि वो अभी बहुत ही उम्र होगी जी उसकी, और उसने एक अलग एक अपनी दुनिया बना ली, वो इतना ज्यादा फेमस साइंटिस्ट बन चुका है। तो मैं आपका क्लियर डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया नवीन राव को लेकर। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो यार मुझे कमेंट करके जरूर पूछना, मैं उनको सारे के सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। मुझे पर्सनली फिल्म अच्छी लगी, अगर आपको सुनने में अच्छी लगी तो अगर अब तक ये नहीं देखा हो तो ये फिल्म को जाके जरूर देख। इस वीडियो में इतना, अगर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर करें। मैं आपसे कल किसी नए वीडियो में तेल है।